बच्चे को जब से होता है तब से लेकर उसका एजुकेशन से लेकर शादी से लेकर जो भी मतलब सब चिंताएं रहती है, अभी ये सेट हुआ नहीं हुआ ऐसे मतलब, तो 80% पास्ट में 18% फ्यूचर में और हार्डली 2% लाइफ जो है लो प्रेजेंट, वो भी कुछ जो जागरूक लोग हैं वो जी पाते हैं, बाकी वो भी शायद मुश्किल है। तो उससे ही संबंधित एक कविता लिखी थी, तो आई होप आपको अच्छी लगेगी, मैं सुनाता हूँ कि वर्तमान में जी ले तू जीवन अमृत पी ले तू, कभी भूत के दर्द में जीता कभी भविष्य के डर में जीता, वर्तमान में जी ले तू जीवन अमृत पी ले तू। भूत बताता तेरी सीमा, भविष्य पूछता कितना बीमा, कर रहे वर्तमान धीमा, हो रहा इस पल का कीमा, वर्तमान में जी ले तू जीवन अमृत पी ले तू। फिर जनरली जो सिचुएशन होती है कि हम लोग अपने आप में कितने खोए रहते हैं, काम के टेंशन में, फ्यूचर पास्ट के, कि आंखें बंद कान भी सुन, सूरहीन जीवन की धुन, ना रंग पता ना अंग पता, जेल रहा सबकी खता, वर्तमान में जी ले तू जीवन अमृत पी ले। फिर उसके बाद कुछ ऐसा आता है कि कैसी सिचुएशन रहती है, कभी कभी हम लोग सोचते रहते हैं मन में और ऐसे ही परेशान होते रहते हैं आगे पीछे का सोच के, कि मन ही मन घबराए अनिश्चितता खाए जाए, कल का डर सताए, महसूस ना हो हवाएं, अपमान हो रहा जीवन रस का, वर्तमान में जी ले तू जीवन अमृत पी ले। विचारों का ये मेला है, जीवन बस एक खेला है, चलना तुझे अकेला है, इंतजार की इस दुनिया से सपनों की भूल भुलैया से, अब तो तौबा कर ले तू वर्तमान में जी ले तू जीवन अमृत पी ले। चक्रव्यूह ये जीवन एक, कितना भी तू कर ले देख, तेरे पास ये पल है एक, वर्तमान में जी ले तू जीवन अमृत पी ले। फिर थोड़ा इसको नेचर से जोड़ने की कोशिश की मैंने, किस तरीके से नेचर बिहेव करता है और हम उससे थोड़ा कैसे, क्या पतझड़ के डर से तुमने फूलों को मुरझाते देखा, मतलब फ्यूचर के बारे में जैसा सोच के हम टेंशन में रहते हैं, क्या पतझड़ के डर से तुमने फूलों को मुरझाते देखा, क्या कट जाने के डर से तुमने फसलों को सूखते देखा, और हमसे तो पशु अच्छे हैं, हमसे तो शिशु अच्छे हैं, वर्तमान में जीते हैं जीवन अमृत पीते हैं, वर्तमान में जिए जीवन अमृत पीते। अब ये लास्ट चार पंक्तियां हैं जो मतलब क्या नाम माताओं के तो शायद काम आएगी ही, और उन्होंने तो मतलब काफी संघर्ष किया है और बच्चों को मतलब लेवल तक पहुंचाया है, पर जो हमारे क्या बोलते हैं कलीग्स जो है उनके लिए शायद कि मौका किस्मत और तैयारी, ये जो है मतलब लास्ट में आपको इन सभी से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए कि मौका किस्मत और तैयारी, सब कुछ तो इस पल में है, जी ले जल ले और संभल ले, इस अमृत पल में तू वर्तमान में जी ले तू जीवन अमृत पी ले। तो इसी के साथ ये कविता जो है पूर्ण होती है, और आप सभी से मेरा बस यही निवेदन है कि आप इतना मतलब एफर्ट लेके यहाँ पे आए हो, तो अब जो है अब तक अगर वर्तमान में नहीं जी पाए, मतलब ये सेशन में कुछ सोच विचार होता ही है, मन इधर उधर भटकते रहता है, बीच में पता नहीं आपने मेरी कितनी पंक्तियां सुनी कितनी नहीं सुन पाए क्योंकि वो अगर नहीं सुन पाए तो समझ लीजिएगा कि वर्तमान में नहीं थे, जहां आपका फोकस हट गया, ठीक है ना। बट ये मेक श्योर करना, क्योंकि मैं तो मतलब वर्तमान में जी रहा हूँ, इतना अच्छा मौका मिला है आप सबके साथ क्या नाम खड़े रहने का, बातचीत करने का, उसका मैंने तो पूरा लाभ ले लिया है। तो बस इतना आपसे निवेदन है कि अब जो भी अगला आधा घंटा एक घंटा हमारा जो प्रोग्राम है, यहाँ आके आ तो गए हो आप यहाँ पे, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको पूरा एंजॉय करें और अच्छे से रहे और वर्तमान में जिए, बस इतनी आपसे।